अनेकता में एकता वाला देश भारत। भारत हमेशा से ही सांस्कृतिक, परंपरागत और मिश्रित धर्मों का देश रहा है। भारतीयों के दिल में हमेशा से दूसरों के धर्मों के लिए सम्मान रहता है। NMF न्यूज आज आपको भारत की 5 सबसे बड़ी और आलीशान मस्जिदों के बारे में बताने जा रहा है। जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शुरू करवाया था और 6 साल बाद 1656 में यह आलीशान मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। ताजुल मस्जिद भोपाल। दिल्ली के बाद NMF न्यूज आपको लेकर चलता है भोपाल। दिल्ली की जामा मस्जिद भोपाल की तरह ताजुल मस्जिद भी भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह खूबसूरत मस्जिद गुलाबी रंग की है और इसके गुंबद सफेद रंग के हैं। आपको बता दें कि ताजुल मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। मक्का मस्जिद हैदराबाद। 16वीं सदी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में मक्का मस्जिद का निर्माण करवाया था। मक्का मस्जिद न सिर्फ हैदराबाद की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है बल्कि इसे देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में गिना जाता है। जामिया मस्जिद श्रीनगर। ब्रिटिश वास्तुकला से बनी श्रीनगर की जामिया मस्जिद की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये मस्जिद श्रीनगर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। 370 खंभों पर खड़ी ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसके अंदर तकरीबन 30,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद आगरा। शाहजहां ने 1648 में अपनी सबसे चहेती बेटी जहां आरा की याद में आगरा में जामा मस्जिद बनवाई थी। ताजमहल और लाल किले के अलावा आगरा के मुख्य आकर्षणों में से ये मस्जिद भी एक है। इस मस्जिद को लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से सजाया गया है।